हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेंट फॉर सीमेंट। जेपी ग्रुप के पुराने एम्प्लॉयज के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि जेपी ग्रुप ने अपना सीमेंट बिजनेस जो है डालमिया भारत ग्रुप को सेल करने का जो है एग्रीमेंट साइन कर दिया है। इस जो डील है, इस डील में 9.4 मिलियन टन सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी या कह लें 6.7 मिलियन टन की क्लिंकर कैपेसिटी और निगरी में स्थित एक पावर प्लांट जो कि 280 मेगावाट कैपेसिटी का है उसको भी सेल आउट कर दिया है। तो इस बिड में कई प्लांट जो हैं जेपी ग्रुप ने डालमिया को सेल करने का साइन किया है, जिसमें से सबसे पहला जेपी रीवा प्लांट है जिसकी जो कैपेसिटी है जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और 1.7 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी है। चुनार सीमेंट फैक्ट्री है एक जो कि यूपी में है, 2.5 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी है। जेपी निगरी सीमेंट है जो कि 2 मिलियन टन पर एनएम कैपेसिटी है। चुर्क में जो है 1.0 मिलियन टन पर एनएम कैपेसिटी और भिलाई जेपी सीमेंट छत्तीसगढ़ जो कि सिचुएटेड है सतना मध्य प्रदेश में वो भी 2.2 मिलियन टन पर एनएम कैपेसिटी का है। तो टोटल कैपेसिटी हो जाती है 9.4 मिलियन टन पर एनएम कैपेसिटी। तो इस तरह से डालमिया भारत ग्रुप जो है जेपी ग्रुप के सीमेंट एसेट को एक्वायर कर लिया है। इसका इस मूव उनके एक डायरेक्टर्स ने ये कहा है कि द मूव वुड हेल्प डालमिया लिमिटेड टू इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 45.3 मिलियन टन पर एनएम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 35.9 मिलियन टन पर एनएम एंड ऑल्सो दिस डील रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ इट्स विजन टू इमर्ज एज अ पैन इंडिया सीमेंट कंपनी विथ अ कैपेसिटी ऑफ 75 मिलियन टन बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड 110 to 130 मिलियन टन बाय फाइनेंशियल 31 बाय डालमिया भारत ग्रुप। टॉप बिडर्स जो इन्वॉल्व रहे हैं उसमें डालमिया भारत ग्रुप 566 करोड़ रुपीस, अडानी नंबर दो पे रहे हैं 5000 करोड़ रुपीस और अल्ट्राटेक ने इंटरेस्ट तो दिखाया था लेकिन ओवर वैल्यूएशन के कारण जो है इससे आउट हो गया था।